कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NVS नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो आप लोगों की नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसकी एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये NVS की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, तो आप लोग इस वेबसाइट को खुद भी जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो इसमें नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो नीचे इसमें एक अपडेट दे रखी है इन्होंने, वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या इन्होंने बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है व्हाट्स इज़ न्यू, तो यहीं पर एक अपडेट है, तो वो अपडेट क्या है देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो इसमें आपको अपडेट दिखाई देगी। जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है आप लोगों का, ये वाला वार्निंग फेक कॉल लेटर फॉर रिगार्डिंग, तो इस पर मैं आप लोगों के लिए क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा और एक जो डॉक्यूमेंट है PDF हमारे सामने ओपन हो रही है। तो इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस आप लोगों का 24 जुलाई को रिलीज़ किया गया है NVS नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। तो इसमें देखते हैं, इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति दैट सम फेक कॉल लेटर्स आर बीइंग इशूड फॉर ऑफरिंग द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट या और मे बी सम अदर पोस्ट विच आर कम्प्लीटली फेक एंड NVS हैज़ नथिंग टू डू विद इट। इफ़ एनी कैंडिडेट पर्सन रिसीव सच फेक कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट और ईमेल और ही शैल कन्फर्म ऑथेंटिकली सैड कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल। तो ये एक नोटिफिकेशन नोटिस जारी किया गया है NVS की ओर से कि कुछ फेक कॉल लेटर्स जारी किए जा रहे हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए या फिर मेस हेल्पर या कोई भी पोस्ट हो सकती है NVS में कि आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ये ऐसे कैसे हुआ, तो जो भी आप लोगों की 2022 की रिक्रूटमेंट थी तो उसके फाइनल हो चुका था, कुछ वेटिंग बची थी, तो उन्हीं वेटिंग को ध्यान में रखते हुए ये जो फ्रॉड जो होता है, जो फ्रॉड मैसेज भेजते हैं, जो फ्रॉड कॉल कर रहे हैं आप लोगों को, तो वही ये सब काम कर रहे हैं कि आपको फेक कॉल लेटर भेजा जा रहा है और हो सकता है कि आप लोग उससे पैसे वैसे मांग लें कि आपका लेटर हमारे पास है, पैसे दे दीजिए, आपको लेटर मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे किसी भी झांसे में मत आइएगा, वो कम्प्लीटली फ्रॉड हो सकता है आप लोगों के साथ। तो ये NVS की तरफ से ही क्लैरिफिकेशन दिया गया कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ बताता है कॉल लेटर के रिगार्डिंग NVS में, तो वो सारी चीज़ें फेक है, फ्रॉड है, तो आप लोग इनसे बच कर रहिएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। हो सकता है आप लोगों को अदर पोस्ट, मैस हेल्पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फीमेल स्टाफ नर्स, फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जूनियर अकाउंटेंट, तो बहुत सारी पोस्ट थी आप लोगों की, किसी भी पोस्ट का आप लोगों को झूठ बोल करके बता दिया जाएगा कि आपका फेक कॉल लेटर आया है, हमें पैसे दे दीजिए या कुछ भी, वो आप लोगों से डिमांड करेगा और ये लेटर ले लीजिए, तो वो एक तरीके से कम्प्लीटली फेक होगा। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन NVS के द्वारा दी जाएगी तो वो आप लोगों को दो तरीके से दी जाएगी, एक तो आप लोगों की ईमेल पर और दूसरी वाया आप लोगों को SMS। तो ये दो तरीके होते हैं NVS आपको कम्युनिकेट करती है, या तो ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू। अगर ऐसा कोई DV के लिए कॉल लेटर या फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा तो वो ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू या बाई पोस्ट आप लोगों के पास आएगा। किसी भी तरीके के फ्रॉड में आप लोग मत फंस जाइएगा। अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों की NVS की रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसमें आप लोगों की बहुत टाइप की पोस्ट है नॉन टीचिंग की। तो इसमें जो आप लोगों की लैब अटेंडेंट है, इसकी क्लासेस चल रही है हाई स्टडी पर, आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा। बाकी जो कैटरिंग असिस्टेंट है और जो आप लोगों का मैस हेल्पर है, इनकी क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, वो भी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी आप लोग अगर पेड नोट्स चाहते हैं तो पेड नोट्स के लिए आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोगों को नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस नंबर पर। उसके बाद इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो भी देख लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए अभी क्या है कि अब आप लोगों के रेलवे के एग्ज़ाम शुरू होंगे। एक कैंडिडेट मुझे कह रहा था कि सर इसमें रेलवे का और NVS का क्या लेना देना। आप लोग खुद ही सोचिए, जब आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्ज़ाम आप लोगों का हवा में तो नहीं होगा, आसमान में तो नहीं होगा, तो एग्ज़ाम तो आप लोगों के सेंटर पर ही होंगे ना, एग्ज़ाम सेंटर पर, स्कूल में सेंटर है, जो भी TCS के सेंटर है उन्हीं पर आपके एग्ज़ाम होंगे। जब वो ऑलरेडी रेलवे के लिए बुक हो जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल होगा, तो आप लोग खुद ही सोचिए कैसे लेना देना नहीं है। जब सेंटर आप लोगों के लैब होगी, सेंटर हो गया TCS के, तो वो सारे सेंटर पर एग्ज़ाम अगर ऑलरेडी बुक हो चुका है रेलवे का, फिर आपका कैसे होगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त एंड तक हो जाता है तो आप लोग मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर मान करके चलिए 2-3 महीने आप लोग का एग्ज़ाम डिले होगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी क्लासेस आपकी चल रही है, आप लोग हाई स्टडी को देखते रहिए। सारी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट जा करके आप लोग हाई स्टडी पर चेक कर लीजिएगा।
तो ये एक बहुत ज़रूरी सूचना थी जो आप लोग को देनी थी फेक कॉल के रिगार्डिंग, फेक डीवी के रिगार्डिंग। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।